नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मनेंद्रगढ़ में डायरिया का प्रकोप फैला है, पाराडोल में डायरिया फैल गया और 25 साल की एक महिला की मौत भी हो गई है। दो मरीजों को इलाज के लिए रेफर किया गया है, चार मरीजों का CHC में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में ही कैंप लगा दिया है। मनेंद्रगढ़ का पूरा मामला, तेजी से डायरिया फैल रहा है, दो मरीजों को इलाज के लिए रेफर करना पड़ा है, एक महिला की मौत भी डायरिया के चलते हो गई है। चार मरीजों को CHC में भर्ती करवाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। एहतियातन गांव में, पाराडोल गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगा दिया, शिविर लगा दिया है, जहां लोगों की जांच की जा रही है। मनेंद्रगढ़ का यह पूरा मामला जहां तेजी से डायरिया के मरीज बढ़े हैं। मनेंद्रगढ़ के पाराडोल में डायरिया का कहर, डायरिया फैल गया है, 25 साल की एक महिला की मौत भी हो गई है, दो मरीजों को इलाज के लिए रेफर करने की नौबत आई, हालत गंभीर देखते हुए चार मरीजों का CHC में इलाज चल रहा है। सहयोगी सुजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बता दूं, पूरा मामला जो है मनेंद्रगढ़ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के पाराडोल ग्राम पंचायत का है, जहाँ पे एक मरीज जो है डायरिया की शिकार हुई। वहीं समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उनको मनेंद्रगढ़ से रेफर किया गया, जिला सरगुजा संभाग के अस्पताल जो अंबिकापुर वहाँ रेफर किया, वहाँ वर्तमान में इलाज जारी है, वही जारी है। जो है दो गंभीर और मरीज जो है उनको भी अभी फिलहाल जो रेफर किया गया, वही एक मरीज की मौत हो गई है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा है। वही पाराडोल में साउथ कैंप लगाया गया है और जो मरीज हैं उनकी जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुजीत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और इधर दतिया में रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, अतिक्रमण के कारण अब रास्ता बंद हो गया है। घरों से मुख्य मार्ग तक पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है, गुस्सा है, लोगों ने पुराने कलेक्ट्रेट पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर कहीं ये जाम खुल सका है। इस रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, इसे लेकर ये पूरा प्रदर्शन और चक्का जाम हुआ। अब पुलिस की समझाइश के बाद हालात काबू में आए हैं। इधर आगर मालवा में अवैध शराब बेचने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है, लोगों ने कलेक्ट्रेट तक बकायदा एक रैली निकाली है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। गांव के एक युवक पर अवैध शराब बेचने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। जनसुनवाई में अवैध शराब की बिक्री रोकने का आवेदन भी दिया गया। कार्रवाई न होने पर महिलाओं के साथ धरने की चेतावनी दी गई है। इधर वायनाड, केरल के वायनाड में तेजी से हालात बदल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के मामले सामने आए और 63 लोगों की जान चली गई। अगली खबर बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार में डबल मर्डर का खुलासा हुआ। डबल मर्डर मामले में कसडोल पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कसडोल के भद्रा गांव में मां बेटी की हत्या कर जला दिया गया था। आरोपी का महिला से अवैध संबंध था। ये महिला युवक पर पैसे का दबाव बना रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी और इससे परेशान था आरोपी। युवक ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। इसे गिरफ्तार कर दिया गया। हरण कश्यप है, मृतिका जो है संतोषी के घर में गया और वहाँ जाके इन लोगों का आपसी वो था, अवैध संबंध था, इसके चलते इन लोगों में काफी झगड़ा विवाद होते था और जो मृतिका थी वो ब्लैकमेल कर रही थी इसको कि पैसे के लिए तो बता दूंगी, हल्ला कर दूंगी। इसे काफ़ी मानसिक रूप से त्रस्त हो गया था और त्रस्त होकर उनके घर में गया 28 तारीख की रात को। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के चलते फिर हाथापाई पर हो गई। फिर गुस्से में आके इसने टंगिया से उसको मारा, जिससे वो ऑन द स्पॉट गिर गई। खबर अंबिकापुर से, जहां अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने का दावा किया गया है। एक महिला के हत्या के आरोप में चार लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक नाबालिग भी है। भतीजों ने जादू टोने के शक में महिला की हत्या कर दी। स्कूल के सेप्टिक टैंक में महिला की लाश मिली थी। अब इस मामले में एक नाबालिग समेत चार लोग पकड़े गए हैं।
इधर दमोह में कॉलेज से गायब होने वाली चार छात्राओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है। एक छात्रा ने परिजनों से फोन पर बातचीत की है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए परिजनों से बातचीत की गई और ट्रेन में सवार होकर ये छात्राएं कहीं जा रही हैं। इस छात्रा ने बताया कि पढ़ने के लिए ये चारों बाहर जा रही हैं। चार साल बाद पढ़ाई पूरी कर लौटने की इन्होंने बात कही है। परिजनों ने पुलिस से छात्राओं को खोजने की गुहार लगाई है। दमोह का ये मामला। भेजा है पिंकी के लिए, पिंकी ने फोन लगाया था, हमने भी बात करी थी। बोल रही थी कि पूजा से बोल दी के कल वहाँ पर जाने कॉलेज, हमने कि हाँ बोल देंगे। अरे आज भी चार के नंबर से नहीं गई घर है, तो हमने कि चलो छः के से आ जाएँ, छः के छः भी नहीं गई, नहीं आठ के से गई, फिर इसलिए हम यहाँ सीधे कॉलेज आए। रिपोर्ट अपोर्ट कुछ नहीं की वहाँ पर। सर सुबह 9 के नंबर से घर से बच्ची निकली हैं, चार ही बच्ची निकली, पिंकी, सुनीता, किरण और पूजा। उन्हें बोली पापा जी बुकें जमा करने जाने हैं और मैडम को फ़ोन आओ हमारे मोबाइल, मतलब तो मैं मतलब फ़ोन नहीं मैसेज से आओ। हमने ठीक है बेटा कर आओ, पैसा कितने कहीं कर लें पापा 400 रुपया, हमने 50 समय से हमने 50 रुपया हमें दिए सौदा के लिए, 350 रुपये भर हाथ में लाए हैं। देखिए परिजन हमारे साथ हैं और सुबह चारों बच्चियाँ जो सीता नगर थाना दमोदेहा क्षेत्र की हैं, KN कॉलेज में पढ़ाई करती हैं BA फर्स्ट ईयर में। तो ये परिजनों के बताए अनुसार ये जो है आज कॉलेज कबूल करने के लिए हैं और अभी जो है शाम तक घर नहीं, अभी देर रात तक घर नहीं पहुँची हैं। परिजनों से लगातार जो है पूछताछ जारी है। और जो भी इधर दतिया में रिटायर्ड एक्साइज अधिकारी को धमकाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन बेचने के लिए बदमाश बल्ली कमरिया धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। खैरी गांव की 30 बीघा जमीन ये आरोपी खरीदना चाहता है। बल्ली कमरिया जिसका नाम है, आदतन बदमाश बताया जा रहा है और 5 साल पहले बटाई पर अधिकारी ने जमीन दी थी। बदमाश पर जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। जमीन लेने पर हत्या की धमकी ये दे रहा है। अधिकारी के दोनों बेटों की भी हत्या करने की उसने धमकी दी है। कोतवाली थाने के पकौड़िया महादेव का ही मामला। हम आप जो सोचो कि हमको दबा लो या कोई समस्या कर दो, कुछ नहीं होने वाला है। तब की मत नहीं होगा, हम मर सकते लेकिन झुक नहीं सकते जीवन भर, ये वादा है हमारा बस। हाँ कोई मर दो जला को पहुंचा दो अभियान में कि हम ले रहे जगह ना, उसको कत्ल कर दे तो धमकी ने कमर के धमकी कह दो कर परमात्मा कसम खा रहे हैं, जो परमात्मा की कसम खा रहे हैं। हाँ तुम आओ नहीं कर, अरे हमारे मर जाए क्या, हमारा बदल मिट जाए, हमारा बदल मिट जाए, तुम्हारा बदल कर दे हम तो हमारा दावा कमर के धमकी कर चो हमसे, जा चीज को निपटा लो तो अच्छी बात है। जुताई पर जमीन दी थी हवाई खैरी दतिया गिरद में आती है और खैरी हवाई पट्टी वर्तमान में हवाई पट्टी बगल में है। तो एक साल तो उसने पैसे दिए, बाकी बात पैसे भी नहीं देता, न कोई गेहूँ दे रहा है न पैसा, सब फसल देता न पैसा देता। और अब कहने लगा ये हवाई पट्टी का लगो कि तुम तो हमें बेच दो। हमने कहा हम नहीं बेच रहे, नहीं वो नहीं आपको बेचना, हमको हमको ही नहीं ले लूँगा। और अगर अगर आपने दूसरे को दिया तो हम उसको जान से मार डालेंगे, तुम्हारे तुम्हारे बच्चों को तुमको सबको जान से मार डालेंगे, जमीन हम लेके रहेंगे। और मेरे घर पे आके इसने धोख दी गई, मैंने टीवी हमारे कैमरा भी था उस पर ही हमने वो कर दिया था। और कहता है कभी अगर आपने किसी को दिया खेत पे आए तो हम तुम मार जान से मार दो। पूर्व में भी मैंने परसाली शिकायत की थी कलेक्टर को, SP को, उसकी भी वहाँ पास कटिंग है और वो पावती भी है। इधर रतलाम में एक परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। जमीन के नक्शे में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। 6 महीने से ये परिवार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, सुनवाई नहीं होने पर इन्होंने आत्महत्या की चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट में धरने पर यह परिवार बैठा है। जावरा के ऊनखेड़ी गाँव का ये परिवार रहने वाला है। रतलाम में सरकारी सिस्टम के आपको हाल दिखाते हैं। आलम यह है कि लोगों की सुनवाई 6-6 महीनों तक के नहीं हो रही है और लोगों को यहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। रतलाम के जावरा के कुछ ग्रामीण यहाँ बैठे हुए एक परिवार है, महिलाएं भी साथ में हैं और
जो साफ तौर पर लिखा हुआ है इनके पास जो पोस्टर्स ये लेके आए कि हमें न्याय दिलाइए कलेक्टर साहब वरना हम आत्महत्या कर लेंगे, इनसे चर्चा करते हैं। सर आत्महत्या क्यों करेंगे आप लोग, क्या वजह है? सर रहना ही नहीं दे रहे वो लोग, सामने वाले रहने नहीं दे रहे, वहाँ कांटे डाल रहे ना, हमने मकान नया बांधा, वहाँ रह रहे हैं 6 महीने से, सर रहने नहीं दे रहे, अब क्या करें, मजबूर हो गए हम। कहाँ कहाँ पे आप गए हैं न्याय की मांग करने के लिए? ADM साहब करने गया, तहसीलदार साहब करने गया, गिरदावर साहब करने गया, पटवारी साहब करने गया, तो बोलेगा आपका ये है न वो है न, कुछ भी नहीं होने वाला है सर। CM हेल्पलाइन भी करी तो वो भी नहीं सुनवाई हो रही सर। तो ये रतलाम कलेक्ट्रेट के पास में आवेदन की प्राप्ति रसीद भी है, कुल मिला के 6 महीने से पूरा परिवार जो है परेशान हो रहा है, अब सामूहिक आत्महत्या की यहाँ पे जो है चेतावनी भी जिला प्रशासन को दे रहा है, और अब देखना चाहिए कि आखिर इस परिवार की सुनवाई आखिर कब होगी। इधर मंदसौर में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है, 3,000 रुपए की यह घूस ले रहा था, तभी लोकायुक्त ने इसे रंगे हाथों धर दबोचा। सचिव फूलचंद जजवारिया, इस पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। भानपुरा तहसील के धुआखेड़ी पंचायत का सचिव है, भानपुरा के नीमच रोड स्थित रॉयल ढाबे पर इसे पकड़ा गया है। पट्टा बनाने के एवज में इसने 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, लोकायुक्त को जानकारी दी गई, लोकायुक्त ने ट्रैप किया और फिर ये पंचायत सचिव रंगे हाथों पकड़ाया गया। मध्य प्रदेश